शिक्षा क्रांति लाएंगे हम, आगे बढ़ते जाएंगे, ज्योति जगा कर ज्ञान की हम सबको राह दिखाएंगे। प्यारे बच्चों, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं अरुण्स फैमिली का पेज नंबर 11। अरुण्स फैमिली यानी कि अरुण का परिवार। अरुण पिछली वीडियो में हमने देखा था ना कि वो खुले लान में बैठे थे, अखबार पढ़ रहे थे। अरुण अखबार में देख रहा था, उसकी मम्मी है वो चाय के साथ बिस्किट खा रही थी और उसकी सिस्टर पास में खड़ी थी। उधर अंकल कुछ सब्जियां वगैरह लेकर आ रहे थे और उधर कोई औरत कपड़े सुखा रही थी। तो चलो हम आगे पढ़ते हैं पेज नंबर 11। इसमें देखते हैं कि हमें क्या बताया गया है। यहाँ देखिए, ये चित्र है और चित्र ये किसका है? अरुण का। किसका चित्र है? अरुण का। अरुण किधर इशारा कर रहा है? ये इधर जो मकान वगैरह बने हुए हैं इनकी तरफ इशारा करके क्या कह रहा है, चलो हम पढ़ते हैं। आई एम अरुण। आई का मतलब मैं हूँ अरुण, कि मैं अरुण हूँ। तो बच्चों ये पाठ हम करेंगे और साथ में मैं कुछ शब्दों के नीचे लाइन लगाऊंगा, कुछ वर्ड्स के नीचे लाइन लगाऊंगा, वो आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और उनको याद करना है, उनकी स्पेलिंग्स याद करनी है। और बच्चों एक बात और, हर वीडियो को कम से कम पूरी ज़रूर देखना, कम से कम पूरी ज़रूर देखना। जो बच्चा पूरी देखता है उसको वो चीज़ जिसकी वीडियो होती है अच्छी तरह समझ में आ जाती है और वो बाकी बच्चों से आगे निकल जाता है। अभी स्कूल बंद है ना, और जब स्कूल खुलेंगे, अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो हर जो आपके टीचर जो सवाल पूछेंगे, हर सवाल का जवाब केवल और केवल आप ही दे पाएंगे। बाकी बच्चे आपके मुंह की तरफ देखेंगे कि आप तो ऐसे नहीं थे, इतने होशियार कैसे बन गए। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को बीच में बंद नहीं करना है। तो चलो पढ़ते हैं कि आई मैं एम हूँ अरुण, अरुण कि मैं अरुण हूँ। आई एम 8 years old। मैं हूँ 8 years old, यानी कि जो आयु होती है इंग्लिश में उसके साथ ओल्ड दिखते हैं, 8 years old, कि मैं 8 साल का हूँ, मैं 8 साल का हूँ। तो अरुण कितने साल का है? 8 साल का। तो ये ईयर्स मैं अंडरलाइन करता हूँ, ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है। आई स्टडी इन क्लास 3, आई स्टडी इन क्लास 3। तो बच्चों जब आपसे भी किसी ने पूछा होगा इन विच क्लास डू यू रीड, ऐसे पूछते हैं, वो गलत पूछते हैं, रीड नहीं होता, स्टडी होता है। यहाँ पे सही दिया हुआ है स्टडी, स्टडी का मतलब पढ़ना, कि कौन सी क्लास में पढ़ते हो। रीड, रीड का मतलब क्या होता है? अखबार पढ़ना, पुस्तक पढ़ना। तो आप अखबार पुस्तक थोड़ी ना पढ़ते हो, आप तो स्कूल में पढ़ते हो, कि कौन सी क्लास में पढ़ते हो। तो वहाँ पे हमें रीड नहीं, क्या कहना होता है? स्टडी। यहाँ सही लिखा हुआ है कि आई मैं स्टडी पढ़ता हूँ इन में क्लास 3। क्लास 3 क्या होता है? तीसरी क्लास, यानी कि क्लास 3 में। मैं क्लास 3 में या कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। आई लीव, यहाँ स्टडी है, ये आपके लिए नया शब्द है, नया वर्ड है, इसको भी मैं अंडरलाइन करता हूँ। इसका मतलब है पढ़ता हूँ, पढ़ना। आप इसके साथ में हिंदी भी लिखने हैं, ये वर्ड भी लिखना है, यहाँ लिखेंगे स्टडी, उसके सामने लिखेंगे पढ़ना और स्पेलिंग भी याद करेंगे। आई लिव विद माई पेरेंट्स एंड ग्रांड पेरेंट्स इन ए टाउन। आई का मतलब मैं, लिव का मतलब रहता हूँ, विद के साथ, माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स क्या होते हैं? माता पिता। एंड ग्रांड पेरेंट्स, ग्रांड पेरेंट्स क्या होते हैं? दादा दादी। इन ए टाउन, एक कस्बे में, एक टाउन में, कि मैं मेरे माता पिता और मेरे दादा दादी के साथ, विद का मतलब के साथ, एक टाउन में रहता हूँ।
तो समझ में आया ना। तो अब यहाँ पे ये दो वर्ड्स है ये आपके लिए नए हैं। पेरेंट्स, पेरेंट्स का मतलब क्या होता है? माता पिता। और ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब दादा दादी। इन ए टाउन, तो टाउन भी हम लिख लेंगे। टाउन का मैंने क्या बताया? कस्बा। द नेम, टाउन को कुछ लोग शहर भी बोलते हैं। द नेम ऑफ माई टाउन इज सोहना। द नेम, नाम ऑफ का माई, मेरा टाउन का मतलब टाउन या कस्बा या शहर, इज है सोना, कि मेरे कस्बे का नाम सोना है। अब नीचे चलते हैं, नीचे हमें गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सोहना, ये स्कूल जो प्राइमरी स्कूल है उसका चित्र दिखाया गया है। और ये यहाँ पे सोहन अपनी बहन के साथ स्कूल में जा रहा है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है इसका मतलब होता है सरकारी, ये भी आपके लिए नया वर्ड है, तो हम इसको भी अंडरलाइन करते हैं और इसको भी अंडरलाइन करते हैं। गवर्नमेंट का मतलब सरकारी और प्राइमरी का मतलब प्राथमिक, इनकी हिंदी। अब वीडियो रोक के सुन सकते हैं और फिर हम कॉपी पे लिख लेंगे। चलो नीचे क्या कहता है? आई हैव ए सिस्टर। आई का मतलब मैं, हैव का मतलब होना, यानी कि किसी चीज़ का होना, अपने पास होना, जैसे आई हैव ए पेन, कि मेरे पास पेन है। तो आई हैव ए सिस्टर, सिस्टर क्या होता है? बहन, कि मेरी एक बहन है, यानी कि मेरे पास एक बहन है। तो परंतु बहन को हम ये नहीं कहेंगे मेरे पास है, पेन के लिए हम कह सकते हैं कि मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक पेंसिल है, मेरे पास एक रबड़ है। परंतु बहन को हम ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास एक बहन है, हम कहेंगे कि मेरी एक बहन है। हर नेम इज कविता। हर मतलब उसका, यहाँ पे लड़की के लिए हम क्या लगाते हैं? हर। और अगर यहाँ पे लड़का होता तो हम क्या लगाते हैं? हिज। लड़के के लिए क्या लगाते हैं हम? हिज। और लड़की के लिए हर। हर नेम, उसका नाम इज है कविता, कविता उसका नाम कविता है। सी इज 9 years old। सी का मतलब वह, अब यहाँ लड़की है तो सी, अगर लड़का होता तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? ही। लड़का होता तो क्या लिखते हैं? ही। लड़के के लिए ही लिखते हैं और लड़की के लिए सी, और बोलते क्या है? वह है। तो वह है 9 years old, 9 वर्ष की। तो वह 9 वर्ष की है। कौन? कविता। सी इज इन class 4। सी का मतलब वह, इसका मतलब है, इनका मतलब में, class 4 यानी कि वो class 4 में है। वी स्टडी इन द सेम स्कूल। ये सेम है, इसको अंडरलाइन करेंगे, ये आपको लिखना है। और स्कूल, स्कूल को भी आप लिख लेना, क्योंकि आपको स्कूल की स्पेलिंग भी आपको याद होनी चाहिए। आपको अर्थ पता है स्कूल का, स्कूल को हम स्कूल भी बोलते हैं, और स्कूल की हिंदी क्या होती है? विद्यालय। क्या होती है? विद्यालय। जबकि हमारा जो प्राइमरी स्कूल होता है उसको हम पाठशाला बोलते हैं। तो स्कूल को हम प्राइमरी स्कूल में, तो हम पाठशाला भी लिख देंगे। तो वी स्टडी, स्टडी, वी का मतलब हम, स्टडी का मतलब पढ़ते हैं, इनका मतलब मैं, सेम का मतलब होता है, जैसे कहते हैं ना कि मेरी पेंसिल और आपकी पेंसिल सेम है, एक ही, एक जैसी है। तो ये क्या, यहाँ पे क्या होगा? एक ही स्कूल में, सेम स्कूल में, यानी कि दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। हम कहते हैं ना दोनों पेंसिल एक जैसी है, एक ही है, एक जैसी। तो एक जैसे स्कूल का मतलब एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। वी स्टडी इन द सेम स्कूल, यानी कि उसी स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ पे सेम का मतलब क्या होगा? उसी। वी, हम, स्टडी पढ़ते हैं, इनका मतलब में, सेम स्कूल, उसी स्कूल में। द नेम ऑफ आवर स्कूल इज गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सोहना। द नेम, नाम ऑफ का, आवर का मतलब हमारे, स्कूल का मतलब पाठशाला या विद्यालय, इज है गवर्नमेंट, सरकारी, प्राइमरी
प्राथमिक स्कूल पाठशाला सोना। हमारे पाठशाला का नाम द नेम नाम ऑफ का हमारी पाठशाला है राजकीय या सरकारी प्राथमिक पाठशाला सोना। हमारी पाठशाला का नाम राजकीय प्राथमिक पाठशाला सोना है या फिर सरकारी प्राथमिक पाठशाला सोना है। तो बच्चों जो जो वर्ड मैंने अंडरलाइन किए हैं, मैंने टोटल 1, 2, 3, 4, 5 और ये मैंने नीचे भी आए हैं तो मैं नीचे कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। 5, 6, 7 तो 7 ये वर्ड है, ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है, इनकी स्पेलिंग्स याद करनी है और इनकी सामने वीडियो को रोककर मैंने वीडियो में क्या इनकी हिंदी बताई है वो हिंदी लिखनी है और फिर इसकी फ़ोटो खींचकर अपने टीचर के पास भेजनी है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी, आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरा चैनल शिक्षा क्रांति ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।